everyone, namaste and welcome to my channel and welcome to my new vlog. So aaj main aap logo se mil rahi hu like after 3 days. So actually I guess aapne jo last vlog dekha hoga wo ye dekha hoga mera jo home tour hai wo maine empty home tour dal ke rakha hai jis ghar mein main shift hui hu wo to hum log ek acha khasa before after transformation video karne wale hain jo in process hai. So abhi to main basic samaan jo hai wo organize kar rahi hu aur maine kuch alag alag themes soch ke rakhi hai. Jo bedroom number 2 hai uske liye maine kuch iska na actually hall thoda bada hai to is hall mein ab jo hamara jo samaan hai wo mumbai ke according hai to thoda sa mujhe isme bahut khali sa lag raha hai, but theek hai main furnishings aur jo वॉल वाली वॉल आर्ट्स हैं उससे इसको थोड़ा ठीक कर दूंगी. सो एक्चुअली हुआ ये था कि जिस दिन मैं यहाँ पर आई हूँ मेरी जो ननिहाल वाली फैमिली है सडन डेथ हैपन इन अ फैमिली. सो हम लोग जैसे ही भोपाल आए हैं हमको तब विद इन आधे घंटे में पता चल गया था कि ऐसा कुछ हुआ है. तो नेक्स्ट डे मेरा जो ट्रक है वो आने वाला था तो पहले ऐसा हो रहा था कि एक एक करके जाएंगे, मतलब विक्की पहले जाएगा मैं एक दो दिन बाद चली जाऊँगी. बट देन मुझे जब मेरे कजिन्स वगैरह मुझे पता चला कि इन लोगों की सिचुएशन इज़ नॉट गुड, फिर उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया, मेरा मन ही नहीं मान रहा था फिर रुकने का, तो मैंने बोला ट्रक वाले से, मैंने कॉल करा उनको रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज़ जो ट्रक है वो थोड़ा सा डिले कर दीजिए क्योंकि ट्रक उस दिन 5 बजे आई थिंक सीहोर पहुँच चुका था. तो मतलब 9-10 बजे वो आराम से सुबह पहुँच जाता, बट सुबह 5 बजे हम लोग निकले मेरी नानी के घर के लिए. एंड क्योंकि ये सब हो गया था सिनेरियो, फिर उसके बाद मैं आई हूँ रात में यहाँ पर एंड फिर रात में ट्रक की अनलोडिंग हुई है जिसकी क्लिपिंग्स मैं यहाँ पर डाल दूँगी. तो फर्नीचर में अगर बात करा जाए तो हमारा फर्नीचर में एक भी फर्नीचर एज सच कुछ डैमेज नहीं हुआ है, मतलब मेजर डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, किसी में कुछ स्क्रैचेस भी नहीं आए हैं. सिर्फ एक जो मेरा ये वाला यूनिट है ना, जो ये शू रैक है मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें हल्का सा प्रॉब्लम आया है कॉर्नर में वो भी, बाकी दैट्स नेग्लेजिबल बिकॉज मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बताया था कि काफ़ी डैमेज होता है सामान और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट बहुत मतलब टचवुड अभी, लेकिन मैं सारा जो अंदर का स्टोरेज है ना, जैसे क्रॉकरी यूनिट में क्रॉकरी रखी थी एंड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सब ओपन करके देखूंगी, वो अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है क्योंकि अभी थोड़ा सा वुडवर्क होने वाला है. तो आज वो कारपेंटर भैया आएंगे, उनको बुलाया है हम लोगों ने वुडवर्क के लिए, थोड़ा कॉस्ट एस्टिमेशन दे रहे हैं कि क्या क्या हम लोग को करवाना है. तो मेरे जो मार्बल फ्लोरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा एकदम गंदा कर दिया, उसकी शाइनिंग वगैरह सब निकाल दी है. तो ठीक है, विक्की मुझे बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पे वो जो मशीन के थ्रू पॉलिशिंग होती है वो करवा सकते हैं, बट वो देखती हूँ मैं, मन हुआ तो करूँगी. अगर मैंने ऊपर ही बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया, मतलब ये मुझे सब मैंने एक अच्छा डेकोरेशन कर दिया है और मैं सेटिस्फाइड हो गई, तो फिर मैं वो जो मशीन वॉश है वो मैं कैंसिल करवा दूंगी बिकॉज फ्लोरिंग है इतनी बेकार नहीं लग रही, अच्छी लग रही है, सब हो जाएगा तो वो अच्छी लगेगी. सो यस, यही है अपडेट. तो ये मुझे रिसीव हुआ है अगारो की तरफ से कॉस्मिक प्लस सोनिक इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश. इसके अंदर सोनिक टेक्नोलॉजी है जो कि 40,000 स्ट्रोक्स देता है पर मिनट. इसमें 5 ब्रशिंग मोड्स हैं जो कि है वाइटनिंग, क्लीनिंग, सेंसिटिव, पॉलिश एंड साथ ही साथ मसाज. इसमें एक इंटरडेंटल ब्रश हेड भी दिया हुआ है. ये 5 डिटैचेबल ब्रशेस के साथ आता है, इसके साथ एक केस है. तो ये इसकी एक्चुअल मशीन है एंड ये ऊपर वाला जो आपको बटन दिख रहा है वो आपको प्रेस करना होता है अलग अलग मोड्स को चेंज करने के लिए. इसमें स्मार्ट टाइमर दिया हुआ है, इसकी स्मार्ट मेमोरी है, तो ये 30 सेकेंड्स में रिमाइंड करता है कि आपको अब जो अपना ब्रशिंग एरिया है उसको मूव करना है. सो ऑटो स्विच ऑफ है 2 मिनट का. सो ये एक बार चार्ज करने के बाद 25 डेज तक लास्ट करता है. सो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इफ़ इन एनी केस आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको परचेस कर सकते हैं. मुझे ये काफ़ी पसंद आया अभी तक यूज़ करने में. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मेरे पास आया है वो है अगारो का रिलैक्सो हैंड हेल्ड मसाजर. सो बेसिकली ये करता क्या है, इसमें 8 डिटैचेबल मसाज हेड्स दिए हुए हैं फॉर अ होलिस्टिक बॉडी मसाज.
5 वाइब्रेशन मोड्स हैं, 6 स्पीड सेटिंग्स है, फिंगर टच बटन ऑपरेशन दिया हुआ है, साथ ही साथ क्लोथ मेश कवर दिया हुआ है टू अवॉइड टैंगलिंग ऑफ बॉडी हेयर ड्यूरिंग मसाज। कॉम्पैक्ट हैंडहेल्ड डिज़ाइन है, इसमें पर्क्यूशन टेक्नोलॉजी दिया हुआ है विच हेल्प्स इन रिलैक्सेशन एंड पेन रिलीफ वाया डीप टिश्यू स्टिम्युलेशन। ये आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें काफ़ी सारे मसाज हेड्स हैं, टोटल 8 मसाज हेड हैं, तो इस तरह से डिटैचेबल आप इसको कर सकते हैं, जो मैश है इसको आप निकाल सकते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल है। ये आपको पेन से रिलीफ देगा, साथ ही साथ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। आप इसको अपने बैक पे, लेग में, फुट में, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब मुझे ये वाला प्रोसेस इतना ज़्यादा टायरिंग हो गया है, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने सेम यही प्रोसेस किया था एंड आफ्टर 6 महीने आई एम डूइंग द सेम प्रोसेस। सो यस, ये है बेडरूम नंबर 2, जहाँ पर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। मैंने सब कुछ इसी में रखवा दिया था, ताकि मुझे, मतलब सब मैंने यहीं करवा दिया था। उसके बाद बेडरूम की ये जो हॉल है उसकी ये कंडीशन है अभी, ये बहुत स्पेस खाली लग रहा है, तो देखते हैं अभी ये यहाँ प्लेसमेंट नहीं आएगा, या सेंटर में रखूँगी इसको मैं एंड वहाँ अलग डेकोरेशन होगा। एंड बेडरूम की कंडीशन ये है, यहाँ पर मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल रख के रखा है। पहले मैंने सोचा था यहाँ रखूँगी, बट फिर मैंने यहाँ रखा क्योंकि ये जो है ना, ये इसमें टकरा रहा था। यहाँ पर हम लोग पूरा कवर करवा देंगे और यहाँ पर वार्डरोब कवर हो जाएगी। सो काफ़ी गहरी वार्डरोब है, तो मेरा काफ़ी सारा सामान आ जाएगा, मतलब ऐसे छोटी वार्डरोब नहीं है। एंड यस, तो ये जो एरिया है ना, इसको मैं खाली रखूँगी क्योंकि ये कॉर्नर एरिया है, तो ये मेरे एज अ बैकड्रॉप में बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज वाइट है एंड थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट्स लगा सकती हूँ मैं, कुछ भी प्लांट हैंग करके। तो इसको मैं एज अ अपना यहाँ पर कैमरा रख के मैं एक वीडियो शूटिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ, मुझे ये काफ़ी सही स्पेस लग रही थी। एंड उसके बाद मैं यहाँ इसको भी मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगी। वैसे तो मैं अपने पूरे घर को इस तरीके से डेकोरेट करती हूँ कि मैं कहीं पर भी बैठ करके वीडियो बना सकती हूँ, मतलब इट शुड बी अ वीडियो फ्रेंडली, बिकॉज ऑब्वियसली आई डू दिस वर्क। तो ऊपर एक और टॉप पे, अगर आप लोग मेरे पुराने फॉलोअर तो आपको पता होगा कि जो सेकंड फ्लोर है, जो छत है, वहाँ पर एक और रूम बनाया हुआ है। तो इट माइट पॉसिबल, पहले ऐसा होता कि मैं उसको स्टूडियो बना लूँगी और विक्की यहाँ पे ऑफिस का काम करेगा, बट अभी हम सोच रहे हैं, विक्की को मैं बोल रही हूँ कि आप जाओ ऊपर ही बैठो, थोड़ा हम लोगों को ऐसी फीलिंग भी आनी चाहिए कि वो ऑफिस वाले रूम में बैठा, तो ऑफिस उसको हम लोग शायद ऑफिस में कन्वर्ट कर देंगे एंड विक्की फिर वहीं पर बैठेगा और मैं इस रूम को अपना जो है स्टूडियो बना सकती हूँ, कंप्लीट स्टूडियो, कंप्लीट सेटअप। सो दिस रूम विल नॉट गोइंग टू बी एकदम प्रॉपर स्टूडियो नहीं रहेगा, ये थोड़े थीमेटिक थीम्स, अलग अलग थीम्स में यहाँ पर वॉल डेकोरेट करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे प्लान्स हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल। ये अभी मैंने नया मंगवाया है अमेजन से, मैं आपको बताऊँगी। और जो हमारे प्लान्स हैं वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, तो वो जब टूर आएगा, वीडियो टूर आएगा, तब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगी कि कैसा क्या हुआ है। तो अभी तो मैं यहाँ पर अपना जो ड्रेसिंग टेबल है वो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अगेन डीक्लटर कर दी है, ये देखिए यहाँ पे मैं डीक्लटर करती जा रही हूँ। शिफ्टिंग का सबसे ज़्यादा जो टायरिंग, शिफ्टिंग इज़ अ वेरी वेरी टायरिंग प्रोसेस, बट दूसरी चीज़ ये कि मैं काफ़ी कुछ डीक्लटर करती हूँ, तो अभी मैं बहुत कुछ डीक्लटर कर रही हूँ। एंड ये जितना भी आप देख रहे हो, ये सब मेरा PR का सामान है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग से। हाय गाइस, सो टुडे इज़ डे 2। मैं आप लोगों से कल मिली थी, उसके बाद मैं आज मिल रही हूँ। तो कल तो मैंने ऐसा किया था, शार वार लेकर के आकर के काम चालू स्टार्ट किया था। तो कल मैंने ऐसा किया था कि शार वार लेके आके काम अपना जो है वो स्टार्ट कर दिया था, बट अभी मैं सुबह से ही आ गई हूँ, मतलब 10:30। बेस्ट पार्ट पता है क्या है ना, यहाँ पर शिफ्ट होने का, एटलीस्ट वी गेट अ क्लीन रूम सोने के लिए, हमको एक साफ़ सुथरा बेडशीट, क्लीन रूम मिलता है जहाँ पर कोई डस्ट नहीं होती है। एंड दूसरा, वी गेट फूड प्रॉपरली, मतलब सुबह में मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मम्मा ने मुझे बोला नीचे
जाने से पहले कुछ खा के जाओ, फिर अभी खाना वो बना रही हैं। मैंने चॉपिंग कर दी थी, दो दिन तक तो मैंने लिटरली कुछ हेल्प नहीं कराई। आज मैंने चॉपिंग वगैरह करवा दी थी क्योंकि मेरी मम्मी 13 डेज के लिए वहाँ पर रहने वाली हैं। तो जा करके मैं सुबह पापा के पास फटाफट रोटी वोटी बना करके भी आ गई थी, तो वो सबसे मैं फ्री हो गई हूँ। तो 10:30 मैं यहाँ पे आ गई थी नीचे अपना काम करने के लिए। तो खाना मिलता है ना, तो चिड़चिड़ापन और वो सब जो होता है ना, मैं एकदम पैनिक मोड में जो काम कर रही होती वो नहीं कर रही हूँ। फिर तीनों भी दिन में आ जाती है पूछने के लिए हेल्प चाहिए कुछ ये वो, तो वैसे काम चल रहा है। दो मैं अभी हेल्प किसी की इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि सब कुछ ना मैं अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, अदरवाइज़ बाद में ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वही है, तो कल मैंने टोटल 15 कार्टन्स खाली कर दिए थे, मतलब 15 कार्टन्स का सामान मैं जमा चुकी हूँ। गाइज आज है नेक्स्ट डे और आज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जैसे कि यहाँ पर एटलीस्ट आप मान के चलिए 30 कार्टन्स रखे थे, नाउ अब यहाँ पर सिर्फ 12 कार्टन्स हैं। काफ़ी कुछ जो है मैंने खाली कर दिया है। एंड ये जो वार्डरोब है ये इस तरह से ऑलरेडी बनी हुई है, बट इसके ऊपर हम लोगों को गेट लगवाना है, मतलब कवर करवाना है। एंड साथ में बीच में यहाँ पर पार्टीशंस करवाएंगे। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पर रॉड लगवा करके हैंगिंग वाला हैंगर्स वाला सिस्टम कर लेते हैं, बट देन आई थॉट कि पार्टीशन ज़्यादा बेटर होता है। जो वार्डरोब है वो जस्ट ऐसे ही बिना फोल्ड करे मैंने रख दिया क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग रखेगा। तो अभी मैं अपनी जो वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। हे गाइस, तो अभी ये वाला जो अलमीरा है ये इतना ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज हो चुका है। एंड अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा डीक्लटरिंग भी किया है। एंड ऑल्सो अब मैं जाती हूँ ऊपर। Maybe
watching you breathe in your sleep. I'm thinking you mean so much to me. Sometimes it feels like it's over. Sometimes it feels like you're over me. But when the sun comes out, आज है डे 7th. हम लोग फाइनली आज ही आए थे अपन लोग, साथ ही नौवे बनकर पूरे कंप्लीट संडे. हाँ, संडे टू संडे आज हम लोगों को टोटल पूरे 7 दिन हो गए हैं. तो कल से हमारे जो कारपेंटर भैया हैं वो हमारे फिक्स हो चुके हैं, बिकॉज 2-3 से हमने क्रॉस चेक किया था प्राइस रेंज एंड एवरीथिंग, बिकॉज वी वांटेड थोड़ा अफोर्डेबल वाला काम करवाना है हम लोगों को. ऐसा नहीं करवाना क्योंकि यहाँ पे भी अनसर्टेन है अभी, यू नो, यू नेवर नो कब जाना पड़े एंड ऑल. तो अभी तो है लेकिन हम काफ़ी हैं, अभी तो हम यहाँ पर हैं. तो हमको ऐसा काम करवाना है कि इन केस अगर हम चले जाते हैं तो ये अगेन टेरेंट्स के पास चला जाएगा, ये वाला जो फ्लोर है नीचे वाला. तो ऐसा काम करवाना है जो पॉकेट्स पे बहुत भारी ना पड़े. तो हमको एक ने बहुत अच्छी कोटेशन दी थी, उन्हीं भैया ने, मेरे जो नया घर है ना मम्मी पापा का, वहाँ पर भी उन्हीं ने काम किया था, मेरे चाचा के भी उन्हीं ने काम किया था. तो काम अच्छा है, उन्हें गारंटी लिए 15 ईयर्स तक की, उससे कम में तो हमको सबने लैक्स के ऊपर कोट किया था. वही एक थे जो लैक के अंडर बजट थे हमारे. तो अभी हम लोग जमा रहे हैं किचन, क्योंकि बहुत दिन से ये ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, तो हमने सोचा चलो ऑर्गेनाइज तो कर ही लेते हैं. तो किचन में विक्की मेरी हेल्प करवा रहा है. अभी आप लोगों से मिल रही हूँ लाइक आफ्टर 7 डेज. मुझे यहाँ पर ऑलरेडी 7 डेज हो चुके हैं एंड आज मेरा 8th डे है. तो ये जो व्लॉग है ना, ये जीवन का मेरे अब तक का सबसे लंबा व्लॉग है. मतलब मैंने पूरे वीक इस व्लॉग को स्ट्रेच किया हुआ है. यू नो अभी कितना मेस और कितना कियोटिक चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज क्या हुआ ना, ये विद इन 6 मंथ्स में हमारी जो शिफ्टिंग हुई है इसकी वजह से मैं लिटरली विक्की को बोली थी, मैंने कहा अब बस मुझे ये मेरी लास्ट सेकंड शिफ्टिंग होगी. अब मैंने बोला अब बस यार, मैं बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड एंड बहुत थक गई, मतलब अब मैं शिफ्टिंग वाले प्रोसेस से पूरी तरह से बोर हो चुकी हूँ. सो आई वॉन्ट रेस्ट नाउ और सो दैट वॉज द थिंग. तो अभी क्विकली मैं आप लोगों को एक अमेजन का शॉर्ट हॉल बताती हूँ, होम डेकोर. वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मेरे पास एग्जिस्टिंग सामान है मैं उसी से पूरे घर को रीडेकोरेट करूँगी, मतलब शफलिंग कर दूँगी. ज़्यादा खर्चा मैं नहीं करने वाली हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें बेसिक छोटी मोटी चीज़ें मैंने मंगवा करके रखी हुई हैं. तो सबसे पहले तो मैंने कुछ कुशन कवर्स मंगवाए हैं, दैट इज़ इन पेस्टल कलर्स. तो मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ. तो जो फर्स्ट कुशन कवर है दैट इज दिस. सबसे अमेजिंग पार्ट इन कुशन कवर्स की ये है, आपने काफ़ी सारे कुशन कवर्स देखे होंगे ऑनलाइन, कितने एक्सपेंसिव आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं. उसके बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इतना ज़्यादा पे करते हो बट आपको क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है. बट ये जो कुशन कवर्स मैंने ऑर्डर करे हैं, दिस इज ओनली फॉर ₹149 में ये एक मिलता है एंड कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ इतना प्रॉपर है. ये कॉटन के कुशन कवर्स हैं, तो हाईली रिकमेंडेड. एंड ऑल्सो ये जो मिनी पार्ट है जो मैंने ये अभी अमेजन का मैं डालने वाली हूँ, दिस इज इन अ कोलैबोरेशन विद MHS. तो MHS की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी. आपको अलग अलग लिंक्स में क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उस सिंगल लिंक पे जाएंगे, आपको मेरे जो भी मेरा शॉपिंग है वो आपको उस जगह पे मिल जाएगा जो भी मैंने किया हुआ है.
सो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट. सारे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं. एकदम ऐसे लेमन येलो जो नहीं होता है वैसा टाइप का कलर है, मतलब एकदम भड़कीला चटकीला नहीं है कि आंखों को एकदम चटक जाए, बट बहुत ही सूदिंग वाला येलो है. तो समरी वाइब्स देता है, दो अभी समझ नहीं आने वाले हैं बट स्टिल मैंने ऐसे कलर्स मंगवा लिए हैं. सो ये है मेरा नेक्स्ट कुशन कवर. उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, ये भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है. फिफ्थ वाला पीस है वो है ये. सो दिस इज माई फिफ्थ पीस. मैंने सब अलग अलग मंगवाए हैं, एक जैसा सेम टाइप के नहीं मंगवाए हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने ऑर्डर करी थी वो थी ये वुडन वॉल हैंगिंग लाइट. तो इसमें एक डिसअपॉइंटमेंट ये आया है कि यहाँ से ना थोड़ी सी टूटी हुई आई है. रिटर्न नहीं हो सकता है, दो हमने काफी सारे जुगाड़ किए कुछ कुछ करने का, बट वो विक्की जुगाड़ कर लेगा इसको लगाने के लिए. तो मैं अपने एक रूम में इस बार थोड़ा अलग थीम रखने वाली हूँ, मतलब लैम्प की जो स्पेस है उसके लिए मैंने ये वॉल हैंगिंग लैम्प पीस मंगवाया है. तो अच्छा आया है, क्वालिटी वगैरह सब कुछ काफी अच्छी है. मैं समझ रही थी कि थोड़ा सा जो कलर है इसका वुड का वो थोड़ा लाइट वुड वाला आएगा, बट ठीक है, नेवर माइंड, मैं इससे भी काम चला लूंगी. सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट. उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो है ये वॉलपेपर. तो मैं इसका पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पर साइड में कि ये कैसा लगता है. ये एक्चुअली 3D वॉलपेपर नहीं है, बट ये 3D इफेक्ट देता है. जो ब्रिक स्टाइल वाला वॉलपेपर होता है ना, वैसा ही 3D इफेक्ट देता है ये. तो ये वाला मैंने पेपर मंगवाया है. मैं कहाँ लगाने वाली हूँ, किस वॉल का मेकओवर करने वाली हूँ, वो तो आपको मेकओवर वीडियोज में ही पता चलेगा. तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेज. तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मैंने मंगवाया है ये फाइव स्टेप्स लैडर मंगवाया हुआ है. तो यू नो छोटे मोटे काम करने के लिए, एज यू ऑल नो दैट विक्की भी काफ़ी सारी चीज़ें खुद ही हम लोग घर पे कर लेते हैं. तो उसके लिए यहाँ पर जो सीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, तो अगर कुछ भी लगाना हो तो मुझे भी उस पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और हम लोगों को किसी और पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े. तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब दिस इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट. आप चाहें अगर आपकी जैसे जो अपर सीलिंग है वो इतनी ज़्यादा हाइटेड नहीं है तो आप छोटा मतलब 4 लेटर का मंगवा सकते हैं, 3 लेटर का मंगवा सकते हैं, बट इसकी क्वालिटी अमेजिंग थी. विक्की का वेट ये आराम से झेल लेता है, इवन मेरा वेट आराम से झेल लेता है. काफी स्टर्डी है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी में है. जब से ये आया है मतलब इट वॉज सो हेल्पफुल फॉर अस. हम लोग सारे काम जैसे ड्रिलिंग ये सारी चीजें होता है, हैंग करना, ये उधर लगाना, वो उधर लगाना, काफी ज्यादा पसंद आई है. हाईली रिकमेंडेड, क्वालिटी काफी अच्छी है और उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जिस प्राइस में ये मिला है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है. तो बस यही था मेरा अमेजन का शॉपिंग. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, तो डू चेक आउट दैट लिंक एज वेल. सो आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड प्लीज थोड़ा सा झेल लेना, अभी ब्लॉग्स जो रहेंगे ना वो ऐसे कटपट के कहीं से भी उठा उठू करके ऐसे रहने वाले हैं. जब मेरा घर सेटअप हो जाएगा तब मैं फिर आराम से, क्योंकि अभी क्या है मैं रह कहीं और रही हूँ, मेरा सामान कहीं और है, काम कहीं और चल रहा है, तो मैं उसमें इधर उधर रहती हूँ. मेरे पास कैमरा पूरे टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए जब मेरे को याद आता है कि व्लॉग चल रहा है तो आई स्टार्ट व्लॉगिंग. सो यस दैट्स इट. मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.